पंचशील स्थित डी मार्ट के बाहर देर रात एक मर्सिडीज कार चालक की लापरवाही से कई लोगों की जान पर बनाई। काले रंग की मर्सिडीज तेज रफ्तार से आई और पार्किंग में खड़े दोपहिया वाहनों को टक्कर मारते हुए डिवाइडर पर दूसरी ओर खड़े वाहनों से टकरा गई। अनियंत्रित मर्सिडीज की टक्कर से करीब 15 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक के बाद एक वाहनों को टक्कर मारने के बाद भी चालक रुका नहीं और तेजी से भाग निकला। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मर्सिडीज कार चालक शराब के नशे में धुत था। इधर इस मामले में पीड़ितों ने बताया कि पुलिस ने सुबह थाने आकर रिपोर्ट देने के लिए कहा। हालांकि देर रात पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जब से यहाँ पे CSM मॉल और डीमार्ट बना है, जब से ये पार्किंग की बड़ी परेशानी है। पार्किंग लोगों ने अंदर बना रखी है, लेकिन ये न तो पब्लिक के दबाव बनाते हैं, इनको अपने बिजनेस से मतलब है, न किसी को सपोर्ट करते हैं। मैंने कई बार इनसे बोला है कि भैया आप अंदर करवाओ, तो इनका एक ही कहना था हम तो कह देते पब्लिक नहीं लगाती। जबकि मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप इनको पाबंद करो, कम से कम जो भी कस्टमर आए उसे बोलो अंदर लगा। ये कुछ नहीं है, वॉचमैन इनके रहते नहीं है, ड्यूटी पे नकारात रहते हैं जब भी होते। और कल ये एक्सीडेंट अगर पब्लिक होती तो एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता। कल जब मैं आया था जब यहाँ पे मैंने देखा गाड़ियाँ अंदर उछली पड़ी है, और मतलब इस तरह से है, ये यहाँ पे वॉचमैन वगैरह की कोई व्यवस्था पूरी है नहीं और पार्किंग के अंदर ये गाड़ियाँ लगवाते नहीं। आए दिन अच्छा होता है, कई बार हो चुका है। इससे पूर्व के अंदर भी एक घोड़ी का हो गया था, जो CSM मॉल के यहाँ पे घोड़ी साल हो गई थी, घोड़ी कूदी थी, उसके अंदर भी बहुत एक्सीडेंट हुए थे, एक दो जने की लगी भी थी, गाड़ियां भी टूटी थी। प्रकाश मेरा पार्सल 1218।